मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई गांव से। उत्तर प्रदेश के हरदोई के गांव रसूलपुर में हो रहे सरकारी धन के दुरुपयोग व मनरेगा में हुई धांधली को लेकर गांव के लोगों के साथ संगठन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। धरना प्रदर्शन में पहुंचे वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला ने गांव में बड़े स्तर पर मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का पैसा ना दिए जाने, गौशाला में गोवंशों के लिए खाने की व्यवस्था ना होने के चलते गोवंशों के मरने की घटनाओं का जिक्र किया। किसान नेता राहुल मिश्रा ने कहा कि कई बार शासन प्रशासन को समस्याओं से अवगत कराने के लिए पत्र लिखे गए, ज्ञापन तक दिए गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से नाराज किसानों के संगठनों ने धरना प्रदर्शन करने का रास्ता अपनाया है। आपके यह बता दें कि ग्रामीणों ने यहाँ पर सरकारी धन के दुरुपयोग और मनरेगा में धांधली होने का आरोप लगाया। इस मौके पर संगठन मंत्री सीतापुर संजीव शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुशील सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष टोंडरपुर अमिताभ सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। आज विकासखंड पिहानी के ग्राम रसूलपुर में तमाम ग्रामीण किसानों की समस्याओं जैसे आवास, शौचालय, गौशाला व मनरेगा में मजदूरी न मिलने की तमाम समस्याएं थी, जिनको लेकर के कई बार शासन प्रशासन को पत्र लिखे गए, ज्ञापन दिए गए, लेकिन कार्रवाई ना होने के चलते आज से संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी के न आने पर संगठन के द्वारा किसानों की मांग को धरना प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ाया गया है। वह 4 तारीख तक धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल चलेगा। अगर तब भी संगठन के द्वारा जिन मांगों को रखा गया है न माना गया तो 5 तारीख को जल सत्याग्रह इसी गोमती नदी में किया जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।